सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू प्रिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। यह भारत की सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन, स्पीड जानकर हो जाओगे हैरान। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में रेल से हर रोज लगभग 2.5 करोड़ लोग यात्रा करते हैं। यह संख्या यूरोप के कई देशों की कुल जनसंख्या से अधिक है। लेकिन आज हम आपको भारत की ऐसी ट्रेन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी स्पीड इतनी कम है कि इसमें आप बाहर बैठकर चाय पीकर फिर उसमें चढ़ सकते हैं। जी हाँ, मेट्रोपॉलियम उटी नीलगिरी यात्री ट्रेन है जिसे भारत की सबसे धीमी ट्रेन चलने का खिताब हासिल है। यह लगभग 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। कहीं कहीं पर तो इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो जाती है। आप इस ट्रेन से कूद सकते हैं, बाहर बैठकर चाय पी सकते हैं और फिर इस पर चढ़ सकते हैं। यह ट्रेन मेट्रोपॉलियम उटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन है। बता दें, नीलगिरी के पहाड़ों में बसा उटी एक खूबसूरत और मनोरम टूरिस्ट स्पॉट है। यह भारत का सबसे लोकप्रिय हनीमून डेस्टिनेशन भी है। आप यहां एक रोमांटिक हनीमून एंजॉय कर सकते हैं और अपने इस अनुभव को बेहद खास और यादगार बना सकते हैं। हर साल लाखों सैलानी यहां पर छुट्टी बिताने के लिए आते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।